सेहरा मदछड़ी में जनता जनार्दन स्कूल में विज्ञान कक्ष का लोकार्पण। प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद का प्रथम सम्मान समारोह संपन्न। सम्मान समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल। सीएम योगी की जमकर की सराहनीयता। बाबुल खेड़ा के माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जितिन प्रसाद, माननीय मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मंत्री जी का हम सभी लोग स्वागत करते हैं। बबलू जी जो कि श्री प्रदीप कुमार दीक्षित टीटू जी शाहजहांपुर, प्रधान शाहजहांपुर। श्री शरद कुमार सिंह कनेल, माननीय मंत्री जी का बाल्यार्पण स्वागत करें। श्री अनिल कुमार सिंह चेयरमैन, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। माला दो भाई। सचिकांत सेहरा दक्षिण है, स्वागत करेंगे। धन्यवाद है बाबू युवा है मास्टर। जी हम आपका अंतर मन से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय विधायक श्री मानवेंद्र सिंह जी, जो हम सभी के चहेते और मधुभाषी और सरल स्वभाव के हैं तथा इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार भी वही हैं। का मैं बहुत आदर के साथ उनका स्वागत और सम्मान करता हूँ। हमारे बीच में हम सबके निकट कुछ ही पलों में आने वाले श्री अरुण कुमार गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष एवं हमारे बीच जिला के, मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सोनू और रक्षपाल सिंह है, रक्षपाल सिंह, राम प्रकाश सेरामो दक्षिणी, अवधेश कुमार दाऊदपुर, नरेंद्र सिंह वर्मा जिलापरपुर, कल्लू चांदा। शाहजहांपुर चट्टान की समय खड़ा हो जाते हैं एक बात पे, उसकी बदौलत आज मुझे ये सम्मान मिला है। और मेरी कोशिश यही रहे कि पहले तो मुझे वो जो सम्मान पार्टी ने दिया है, नेतृत्व दिया, उस लायक बनना है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं यहां अपने गृह जनपद पार्टी के प्रति कार्य तो करूं ही, मगर असली काम तो आने वाले 3 महीने में जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा का परचम लहराना चाहिए 6 की 6 सीटों में। और पिछले बार से ज्यादा मतों से अगर जीत नहीं हुई तो पार्टी का नेतृत्व कहेगा क्या फायदा जितिन प्रसाद को लाने का और क्या फायदा इन्हें मंत्री बनाने का। तो इसमें मेरी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, मेरा सम्मान जुड़ा हुआ है, मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है। और अगर मैं रिजल्ट ना दे पाया तो ये जो पद जो मुझे मिले हैं
जो आप ये गाड़ियों के काफिले देख रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करूंगा अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाया पार्टी के प्रति। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया कि चुनाव तो आ ही गया है और चुनाव कोई हल्के में नहीं लिया जा। वैसे तो मैं पूरा प्रदेश घूम लिया, बुंदेलखंड से लेके गाजियाबाद से लेके पूर्वांचल तक, बहुत बड़े प्रति लोगों का रुझान है। पांच साल जो यहां काम हुए कोई मामूली चीज नहीं, देश प्रदेश देख रहा है उसकी जनता। मैं जानता हूं कि दरखास्तें आती हैं सांसद जी के लिए, विधायक जी के लिए, बहुत से काम होंगे जो नहीं भी हो पाए हों, भाई किसी का खड़ंजा नहीं हुआ होगा, किसी की पर्ची नहीं आई है, किसी का थाने में कोई समस्या उलझ गई हो, वो तो है मगर उसका भी निस्तारण किया जाएगा डबल ताकत से। और मैं भी लगूंगा आप लोगों के साथ, आपके विधायक और सांसद जी के साथ, ताकि काम छोटा हो या बड़ा होता महत्वपूर्ण है। कोई छोटा काम ये मत समझिएगा कि उसे नजरअंदाज कर दिया, मगर इस पांच साल में प्रदेश की तस्वीर बदली है और तस्वीर ऐसे बदली है कि आने वाले समय में इन बच्चों का आपके भविष्य बनेगा। उत्तर प्रदेश में पांच पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट खुल गए, कभी किसी ने सोचा था? कोई यहां झांकने नहीं आना था कि साहब यहां से निकल जाएंगे अंधेरे में सेरम और लूट ना हो जाता? क्यों? तमाम ऐसी धारणाएं, कानून व्यवस्था, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, उद्योग जगत के लोग आना शुरू कर दिया उत्तर प्रदेश, बदल रहा है उत्तर प्रदेश। पहले कोई झांकने नहीं आना चाहता और इसी तरीके से जीवन में सुधार आए, धीरे धीरे करके आता है मगर उस दिशा में सरकार काम कर रही। पहले क्या होता था, सीतापुर से चलो तो फलाने जी वो देख रहे हैं पहली सरकारों में, बरेली जाओ तो कोई और देख रहा है, वही चंद नेता उन्हीं के इर्द गिर्द लोग वो सब फायदा उठा लेते थे। अब कोई कह सकता है कि सिर्फ एक नेता का वर्चस्व है और उन्हीं के लोग और उन्हीं के दलाल काम कर रहे हैं? कोई नहीं कह सकता। भय है बड़ा हो या छोटा, अगर कोई निरंकुश होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये देन है सरकार की, परिवर्तन है सोच में, विचार में। और मैंने भी जो ये फैसला लिया दल बदलने का, ये इसीलिए लिया, बहुत सोच समझ के लिया। आप लोग तो जानते ही कि कोई आसान निर्णय नहीं था मेरे लिए। मैं किसी से नाराज होके या कोई मेरा टिकट कट गया हो या मेरा टिकट ना मिला हो या पद ना मिला हो, इस वजह से नहीं छोड़ा। मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद सोचा और ये निर्णय लिया। और तीन कारण है। पहला कारण तो नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का, ये मामूली नेतृत्व नहीं, देश की जनता की आस्था उनके प्रति। हम तो विपक्ष में भी रहे, हम सोचते थे हमने बहुत काम करा दिए, मगर उनका नेतृत्व वो मामूली नेतृत्व नहीं। तो वो नेतृत्व से प्रभावित होकर ये फैसला लिया। पार्टी, इस पार्टी में विचार है, नीति है, लक्ष्य है कि आगे भारत के लिए और भारत की जनता के लिए सोचते। और सही माने में अगर इस देश में अगर कोई राष्ट्रीय दल बचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और कोई दल नहीं है। बाकी सब क्षेत्रीय दल हो गए, व्यक्ति विशेष के दल हो गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो गई कि उनके लोग, उनके मुखिया, जो पार्टियां जिन्होंने बनाई उनका तो त्याग था और उनका उनका परिश्रम था, मगर अब ये क्षेत्रीय दल जो है
ये व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द घूमते हैं, उन्हीं का भला होता है, उन्हीं के चार लोग जो आसपास उनका गुणगान करते हैं वही ये दल चलाते हैं। जनता के बारे में कोई नहीं सोचता, ये बताना होगा जाके, क्योंकि अभी लगता है लोगों को पर्दा चढ़ जाता कि हमारा ये काम नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे काम होंगे, समय चाहिए व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने की, मगर ये दल अगर काबिज हो जाएंगे तो प्रदेश शाहजहानपुर दगरौल फिर पीछे चले जाएगा। मैं बता दे रहा हूं, बड़ी मुश्किल से व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता है। जो भी काम होते हैं जनहित के तो जन समर्थन से ही पूरे हो पाते, लोगों की धारणा बनानी पड़ती, सोच बदलनी पड़ती, तब व्यवस्थाएं बदलती। तो ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र दल क्षणिक लाभ तो दे देंगे, बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, मगर सत्ता में आने के बाद निरंकुश हो जाते। खैर बातें तो और भी हैं, और तीसरा सबसे बड़ा कारण जब मैंने ये दल बदला तो वो था अपने लोग, आप लोग। मैंने ये महसूस किया कि जिनकी बदौलत राजनीति में सब कुछ मिला है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उनके काम नहीं आ पा रहा, उनके संकट की घड़ी में उनकी मदद नहीं कर पा रहा, उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा। और यही एक बड़ा कारण था कि मैं उस दल में और उस नेतृत्व के नीचे काम करूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब आपको जरूरत पड़े तो आपके साथ खड़ा दिखाई दो और आपके काम आऊं। वरना किस काम की ये राजनीति और ये पद कि दिल्ली में हम बैठे हैं, कभी बंगाल के प्रभारी कभी कहीं, और जिनकी बदौलत सब कुछ मिला उनके काम ना आ पाए। जब उन्हें हमारी जरूरत महसूस हो तो हम हाथ खड़े करते हमारे लाए हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यही लक्ष्य है राजनीति का कि आप लोगों के काम आओ, इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए, यहां आने वाली पीढ़ियों के, इन बच्चों के लिए कुछ करूं, कुछ थोड़ा एहसान चुकाऊं आप लोगों का। वैसे तो कभी नहीं पूरा हो सकता वो एहसान इस क्षेत्र की जनता का जो आप लोगों ने मेरे और मेरे परिवार पर किया है, मगर कोशिश यही रहेगी कि आपका थोड़ा सा कर चुकाऊं। खैर बातें तो और भी हैं, आगे होंगी, विलंब बहुत हो गया, मगर असली यही है कि चुनाव सामने है और यहां सभी प्रबुद्ध लोग, अध्यापक लोग बैठे हैं, रिटायर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं, आप लोगों का समाज के प्रति योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बच्चे कभी भूल नहीं सकते कि उनके अध्यापक लोग उन्हें क्या पढ़ाते थे, हमेशा जीवन भर याद रहता है अपना अध्यापक।